गुड मॉर्निंग क्लास, प्लीज सिट डाउन। लॉन्ग टाइम नो सी, इसका मतलब है ईद का चांद हो गए, तो काफी लंबे टाइम के बाद हम लोग मिल रहे हैं। तो अगर बोले तो आप भी हमारे लिए ईद का चांद हो गए थे और हम भी, तो हम एक सेइंग बोल सकते हैं लॉन्ग टाइम नो सी, मतलब ईद का चांद होना। अब हम लोग दिवाली के जस्ट बाद मिल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये जो दिवाली फेस्टिवल है इसके ऊपर हमारा बात करना बनता है। एंड कॉन्वर्सेशन के लिए अभी अभी दिवाली होकर गई है, इससे बेहतरीन टॉपिक क्या होगा। तो दिवाली अगर हम बात करें तो बेसिकली ये जो फेस्टिवल है ये धनतेरस से लेके भाई दूज तक जाने वाला फेस्टिवल है। तो इस फेस्टिवल में जाहिर सी बात है हम जितनी चीजें करते हैं उन सब की इंग्लिश हमें पता होनी चाहिए, तभी हम इसमें इंग्लिश में बात कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं। अब सबसे पहले अगर हम बात करें दिवाली मतलब दीपक, तो ये दीपों का त्यौहार है। अब दीपक मिट्टी के बेसिकली बहुत ज्यादा फेमस है, हम लोग मिट्टी के दिए जलाते हैं, उन्हें शुभ मानते हैं। तो मिट्टी के दीपक को कहते हैं अर्दन लैम्प या अर्दन कैंडल। अब इसमें क्या लगता है, रुई की बाती लगती है ना, तो रुई की बाती को हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉटन विक। अब ये लॉन्ग या शॉर्ट हो सकती है। और इसमें क्या करते हैं, हम दिए में तेल डालते हैं ना, तो दिए में तेल डालने को हम इंग्लिश में बोलेंगे पो ऑयल इनटू द लैम्प। ठीक है, अब यहां पर जो पी ओ यू आर है इसको लोग पोर बोल देते हैं, इसका राइट प्रोनंसिएशन होता है पो। ठीक है, अगर आप बस्ट करेंगे मतलब बस्टिंग साउंड के साथ बोलेंगे तो पा फा में कन्वर्ट होता है, तो आप कह सकते हैं पो, राइट। अब उसके बाद में हम क्या करते हैं, जब तेल वेल डलना सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, हम दिए को जलाते हैं, तो दिए को जलाने को इंग्लिश में कहते हैं लाइट द कैंडल, राइट। अब उसके बाद में जब हम दीपक को जला लेते हैं उसकी भी इंग्लिश आपको पता चल गई। अब जलाने को तो हम पटाखे भी जलाते हैं, पर पटाखे जलाने को हम लाइट नहीं यूज करेंगे, वो चीज जिसको हम जलाते हैं और जिससे हमें रोशनी प्राप्त होती है, जिसका उद्देश्य हमें रोशनी देना होता है, उनके लिए हम लाइट वर्ड यूज करते हैं। बट जिसको हम जलाएं वो जल के कुछ समय के बाद राख हो जाए, ऐसी चीजों के लिए हम बर्न शब्द का इस्तेमाल करेंगे। तो हम क्रैकर्स को क्या करते हैं, बर्न करते हैं, तो वी बर्न द क्रैकर्स। इसी जगह पे धूप बत्ती अगरबत्ती को भी हम लाइट नहीं करेंगे। धूप बत्ती क्या है आपकी, जॉस्टिक, और अगरबत्ती क्या है, इंसेंस स्टिक। इनको भी जब हम जलाएंगे तो इसमें हम क्या बोलेंगे, वी बर्न द इंसेंस स्टिक एंड जॉस्टिक। ये हमने डेली रूटीन वाले वीडियो में आपको बताया भी है। उसके बाद में अब अगर बात आती है तो हम लोग क्रैकर्स की बात यहां पर आई, तो पटाखे तो कई तरह के होते हैं और हमारे दिमाग में आता भी है इसको क्या कहते हैं उसको क्या कहते हैं। तो एक जो गोल गोल घूमती है उसको क्या कहते हैं, चक्री। चक्री को हम इंग्लिश में बोलते हैं ग्राउंड स्पिनर, क्योंकि वो स्पिन करती है। उसके बाद में फुलझड़ी होती है, मेरे को जिनमें रोशनी होती वो चीजें अच्छी लगती हैं, तो फुलझड़ी को हम कहते हैं स्पार्कल्स। अब बात आती है रॉकेट, तो रॉकेट तो रॉकेट है ही भाई। फिर एक अनार होता है, वो भी मुझे अच्छा लगता है, उसमें भी रोशनी होती है, दैट्स व्हाई। तो अनार को इंग्लिश में हम बोलते हैं फाउंटेन क्रैकर। एक मिर्ची की लर होती है उसको हम बोलते हैं चेन ऑफ क्रैकर्स, मतलब पटाखे की लरी होती है, रेड रेड मिर्ची उसको बोलते हैं ना शायद। अब बड़े वाले जो थोड़े से अलग तरह के पटाखे होते हैं उनको हम बॉम्ब कह देते हैं, है ना। और एक आता है डोरी से लिपटा हुआ बॉम्ब, आलू बम या क्या कुछ कहते हैं उसको, हम बेस बॉम्ब कह देते हैं, ठीक है ना। अब ये तो हो गए हमारे पटाखे। इसके बाद में हम भाई दीपावली के दिन और क्या करते हैं, दिवाली के दिन हम पूजा करते हैं किसकी, गणेश लक्ष्मी की। तो ये मूर्तियां आती हैं ना, मूर्ति को इंग्लिश में हम बोलते हैं स्टैचू। अब मूर्ति हमारे पास किसकी किसकी आती है, गणेश लक्ष्मी की। तो भगवान जी को हम कहते हैं गॉड, आपको पता ही है, बट हम अगर रिप्रेजेंट करते हैं इन दोनों को तो कैसे कहते हैं, लॉर्ड गणेशा एंड गॉडेस लक्ष्मी। गॉडेस हम फीमेल देवी, मतलब जितनी भी देवियां हैं उनके लिए गॉडेस इस्तेमाल करेंगे। लॉर्ड हम जैसे लॉर्ड शिवा हो गए, गणेशा हो गए, जो मेल गॉड है उनके लिए हम लॉर्ड यूज करेंगे। अब बात आती है कि एक कोई ऐसा टर्म हो जिसमें देवी देवता दोनों कंसीडर हो जाए, तो देवी देवता के लिए हम शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं डीएटी, राइट। डीएटी का मतलब देवी देवता। अब उस दिन रंगोली भी बनती है भाई, तो क्या बोलेंगे, मेक अ रंगोली, रंगोली बनाना। अब आप अपने हिसाब से उसको लगा लेंगे बॉक्स नंबर टू, मतलब जो आपका पास्ट इंडेफिनिट है, ऐसा किया वैसा किया ऐसे सेलिब्रेट किया, सेकेंड फॉर्म के साथ में, वर्ब की सेकेंड फॉर्म के साथ में आप सारा कुछ बोलेंगे, राइट।
एक और चीज होती है कि हम धनतेरस के दिन झाड़ू भी लेकर आते हैं, कुछ लोगों के यहाँ आती है, तो झाड़ू को इंग्लिश में बोलते हैं ब्रूम, बट इस बार धनतेरस जो है वो फ्राइडे को थी, फ्राइडे को झाड़ू नहीं लाते हैं माना जाता है ऐसा, तो बहुत लोग बोल रहे थे लानी है नहीं लानी है, बट मैंने आपको बता दिया कि झाड़ू को क्या कहते हैं इंग्लिश में। देवी देवता की चलिए पूजा कर लेते हैं। तो देवी देवताओं की पूजा हम कैसे करते हैं, वी अप्लाई तिलक, हम तिलक लगाते हैं। अब उसके बाद में हम क्या करते हैं, उनको कुछ चढ़ाते हैं, चढ़ाने को इंग्लिश में कहते हैं ऑफर, ऑफर स्वीट्स, ऑफर फ्लावर्स, ऑफर एनीथिंग, वाटर, कुछ भी जो भी हम चढ़ाते हैं उसके लिए ऑफर यूज करेंगे। फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं, आरती करते हैं। सो वी डू द आरती या वी परफॉर्म आरती, डू द आरती या परफॉर्म आरती, दोनों में से कोई भी आप कह सकते हैं आरती करने के लिए। अब इसके बाद में माला पहनाते हैं हम लोग, तो माला को इंग्लिश में कहते हैं गार्लैंड, और माला पहनाने को हम क्या बोलेंगे, सबसे पहले तो हम जान लें पहनने को क्या कहेंगे, तो पहनने को कहेंगे वियर, और पहनाने को मेक वियर या फिर ऑफर भी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो माला पहनाने को हम क्या बोलेंगे, वी मेक वियर गार्लैंड, ठीक है, हम माला पहनाते हैं। मैं पहनाती हूं या मैंने पहनाया तो आई के साथ बोल दीजिएगा, ठीक है, आई मेड वियर, वो मेक का मेड में चला जाएगा, ठीक है, आई मेड वियर गार्लैंड। फिर उसके बाद में क्या होता है कि ऐसे करके तो हमारी दिवाली का हुआ। अब दिवाली में एक इंपॉर्टेंट चीज कैसे भूल सकते हैं हम लोग, वो जो फेस्टून लगती ना सबके घरों के बाहर, लाइट जलती है, तो उसको हम कहते हैं फेस्टून, मतलब झालर। अब वो लाइट वाली झालर होती इसलिए हम उसको कह सकते हैं फेस्टून लाइट्स या इलेक्ट्रिक फेस्टून कह देंगे। अगर आप तोरण के रूप में यूज कर रहे हैं जो दरवाजे पे लगी रहती हैं, लगाते हैं, ठीक है, वो आम के पत्ते की भी हो सकती है, वो फ्लावर्स की भी हो सकती है, किसी भी तरह की हो सकती है, उनको आप तोरण को बेसिकली क्या कह देंगे, फेस्टून। अब वो लटकी रहती हैं कुछ जो आप देखते हो डेकोरेशन के लिए लोग यूज करते हैं, उनको भी आप फेस्टून कह सकते हो, बट आप हैंगिंग्स भी बोल सकते हो बिकॉज वो लटकती हैं। अब बात आती है कि लटकाने के लिए हम क्या शब्द यूज करते हैं, तो आप स्ट्रिंग भी बोल सकते हो, स्ट्रिंग फेस्टून्स, एंड आप हैंग भी बोल सकते हो, दोनों का मतलब है लटकना। तो ऐसे करके हमारी दिवाली का प्रोसेस कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट डे क्या पड़ता है, गोवर्धन पूजा। अब गोवर्धन पूजा में क्या होता है कि हम गोबर से बनाते हैं गोवर्धन जी, तो कैसे बोलेंगे हम, जो गोबर है उसको हम कहते हैं डंग, और किसका, गाय का, तो काउ डंग। सो वी मेक गोवर्धन पूजा विद द हेल्प ऑफ काउ डंग। ऐसे मैंने इसलिए किया बिकॉज वो स्क्वायर शेप में बनता है, तो ऐसे हम लोग गोवर्धन पूजा बनाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट डे आपका आता है भाई दूज। तो भाई दूज में क्या, एक तो हम लोग भाई दूज बड़ा सा बनाते हैं, वो तो सबको पता ही है, उसमें बहुत फेमस है भाई जो सताना की स्टोरी है। एक्चुअली आई वुड लव टू लिसन, मैं सुनना चाहूंगी आप लोगों से कभी, अगर नेक्स्ट टाइम टाइम मिलता है हम लोगों को कुछ स्टोरी का जिस दिन रखते हैं उस दिन, एंड देखती हूँ कि आपके यहाँ कैसे सताना की स्टोरी होती है। अब क्या होता है कि हम लोग जो चौक होती है उसमें क्या क्या चीजें लगती है, पगिया, या एग्जैक्टली पगिया, तो वो जो पगिया बनाते हैं वो हम लोग बेसिकली जो तिलक वाला होता है ना, टीका वाला, उस कलर से ही ऐड करके बनाते हैं, एंड कुछ लोग उसमें टर्मरिक मिलाते हैं, तो वो टर्मरिक या जैसा भी वो रोचने के लिए जिसको बोलते हैं बेसिकली तिलक प्रोसेस के लिए, उससे हम लोग बनाते हैं, तो उसको हम क्या बोल देंगे, कॉटन गार्लैंड। अब इसमें क्या लगता है, चूरा, खील, खिलौना। चूरा को कहते हैं फ्लैटेंड राइस, और खील को कहते हैं पफ्ड राइस, और खिलौना क्योंकि वो मीठा होता है, चीनी से बना होता है, दैट्स व्हाई हम उसे कहेंगे शुगर टॉयज, राइट। अब इतनी चीजें हो गई, एक चीज मैं भूल रही हूं, हम लोग दिवाली के दिन और कुछ भी करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, दिवाली में हम लोग काजल लगाते हैं। काजल लगाने को कहते हैं अप्लाई काजल, एंड वन मोर थिंग, अगर ना बनाओ, ना लगाओ काजल, तो क्या बोलते हैं, क्या बनोगे, छुछुंदर। और एक और चीज है, जिमीकंद, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मन हो ना हो, अच्छी लगती हो ना लगती हो, खानी है, तो जिमीकंद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एलिफेंट फूट यम। ये मैंने वेजिटेबल वाले वीडियो में कवर किया था, एंड वेजिटेबल वाले वीडियो में तो मैंने 52 वेजिटेबल्स लिखी है, इवन जो मैंने भी आज तक खाई नहीं है। उसके बाद में बात आती है, चलो आ जाएं बैक टू भाई दूज। तो भाई दूज में और क्या लगता है, बेर की डाल, बेर की डाल को कहते हैं प्लम ट्विग। अब बेर का कांटा तोड़ के कुछ लोग जबान में लगाते, किसके ये प्रोसेस होती है, कांटा तोड़ के जबान में लगाना, वो ऐसे ना पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा होता है,
भैया गए हैं बेर तोड़े कटवा ना लागे। डिड यू लिसन दिस? हाँ सुना है किसी ने? रेज योर हैंड। ओके सुना है भाई आप लोगों ने। तो जो बेर का काटा होता है उसे इंग्लिश में बोलेंगे बाब, सॉरी प्लम बाब या बाब ऑफ प्लम। ठीक है, तो बाब ऑफ प्लम। अब हो गया बेर का काटा, फिर हम क्या करते हैं इसमें पेठा, पेठा कुछ लोग इसे खभा भी बोलते हैं, इसको रखते हैं हम लोग पूजा में। एंड कुछ लोग दीपक भी रखते हैं, दीपक अर्दन कैंडल, अर्दन कैंडल मेरे यहाँ दीपक रखते हैं। तो इसको फोड़ते हैं किससे? मूसल से। अब मूसल को इंग्लिश में कहते हैं पेसल, स्पेलिंग इसकी कुछ और है, बोलेंगे पेसल, पेस्टल मत कहिएगा। ठीक है, इससे हम फोड़ते हैं एश गर्ड को, पेठा मतलब एश गर्ड। सो वी क्रैक द एश गर्ड विद द हेल्प ऑफ पेसल। ठीक है, और एक और चीज मैं भूल गई थी, मेरे को अभी याद आया दिमाग में, दिवाली में हम लोग सूप में दीपक रख के जलाते हैं और घर में वो करते हैं। किसके यहाँ सूप में रखा जाता है? दिखा दीजिए जरा इन लोगों को। अच्छा ओके राइट, तो सूप में रख के किया जाता है, मेरे यहाँ भी ये प्रोसेस होती है एक्चुअली। तो सूप को इंग्लिश में क्या कहते हैं जान ले? मोरम। अब मोरम घर में वैसा भी होता है जो हम लोग कूड़ा उठाने के लिए यूज करते हैं, है ना, डस्ट को उठाने के लिए, तो वो प्लास्टिक मोरम होता है। बट हम लोग जो पूजा में इस्तेमाल करते हैं या जिससे हम लोग, या पहले के टाइम पे क्लीनिंग की जाती थी, जो राइस हो गया इन सब चीजों की, या आपका वीट हो गया, एनीथिंग। और कुछ आपको लगता है, कुछ जो दिमाग में आपके आ रहा हो, आप पूछना चाहते हो? वैसे दैट्स इट, मेरे को लगता है बस इतनी ही वोकैबुलरी थी जो अपने एरिया में यूपी में, मतलब धनतेरस से लेके भाई दूज तक चलती है। यस और नो? अभी तो पटाखे के भी सारे नाम हो गए, अब क्या ही बचा। तो अब एक काम करते हैं, अब वन टू वन कॉन्वर्सेशन करते हैं हम लोग, मतलब आप अपने पार्टनर से पूछेंगे कि हाउ डिड यू सेलिब्रेट दिवाली, कि आपने दिवाली कैसे सेलिब्रेट की। अब आपका पार्टनर आपको बताएगा धनतेरस से लेके भाई दूज तक की कितना क्या कैसे कैसे किया। आप चाहें तो इसमें बाकी पूरी स्टोरी भी ऐड करें, जितनी कॉन्वर्सेशन करेंगे आप उतना सीखेंगे। और क्योंकि डिड आ गया इसमें, मैंने बोला कि आपने कैसे सेलिब्रेट किया, तो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, ये बॉक्स नंबर 2 है, पास्ट इंडेफिनिट है, सेकेंड फॉर्म के साथ में, बस यू नो बोलते जाइए, बात करते जाइए, सारा कुछ पूछते जाइए। तो वो तो बेटा डिश होती है, ठीक है ना, जो डिशेज होते हैं वो एज इट इज बोले जाते हैं, ठीक है, लाइक और उनको वैसे बोलना भी नहीं चाहिए, पिज्जा हो गया, बर्गर हो गया, इनको हम वैसे ही बोलते हैं ना, डोसा हो गया, सांभर हो गया, इडली हो गया। अब लोग बोल देते हैं कि हाँ समोसा की बता दो, या कचौरी की, या फिर पुआ की, तो वो स्वीट पाए हो गया आपका, पुआ कचौरी हो गई आपकी, पाए या सॉल्टी पाए या फिल्ड पाए, ठीक है। हाँ अलाय बलाय को मैंने सुना है कि लोग अलाय बलाय कहते हैं, मेरे यहाँ नहीं होता, बट अलाय बलाय इज द प्रोसेस विच यू कैन एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ योर वर्ड्स, लाइक यू टेक आउट बैड वाइब्स फ्रॉम द पर्सन विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉज एंड देन यू बर्न दैट, दिस इज द प्रोसेस दैट कॉल्ड अलाय बलाय, राइट। तो नाउ अब आप स्टार्ट करें अपनी कॉन्वर्सेशन, इफ यू आर गेटिंग स्टक, अगर आप फंस रहे हो, यू कैन आस्क टू मी एनी टाइम, आई एम ओवर हियर, ओके मैं यहाँ पर हूँ, सो कंटिन्यू करें।